बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक स्कूल का बेहद हैरान करने वाला वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें स्कूल की टीचर एक छात्र को उसके साथियों से पिटवाते हुए दिखाई थी। आरोप ये लगा है कि छात्र का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने टीचर के आदेश का पालन नहीं किया और इस पर टीचर भड़क गई। फिर उन्होंने क्लास के बच्चों को बुलाकर उसे पिटवाया। बच्चे बारी बारी से आते हैं और वहां खड़े छात्र को थप्पड़ मारते हैं। थप्पड़ पड़ते ही छात्र रोने लगता है, लेकिन टीचर का दिल नहीं पसीजता। उधर वीडियो सामने आने के बाद बीएसए ने जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही स्कूल मैनेजमेंट को नोटिस भी भेजा है। इसके साथ ही डीएम के आदेश पर स्कूल मैनेजमेंट को बीएसए दफ्तर तलब किया गया है। साथ ही छात्र के परिवार वालों और आरोपी टीचर्स को भी बुलाया गया। इसके साथ ही पुलिस ने भी मामले की जाँच शुरू कर दी है। वहीं बच्चे के पिता ने आरोपी टीचर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। बच्चों से एक बच्चे की पिटाई कराई जा रही है, उसमें दो टीचर भी दिखाई दे रहे हैं। एक तो टीचर है, एक का क्लियर नहीं है कौन है। ये दो उसमें से एक भड़का रहा है और वो पिटाई कर रहा है बच्चा। तो इन दोनों टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और साथ ही स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें कल आप सब लोग जानते हैं कि नेहा पब्लिक स्कूल ये प्राइवेट स्कूल है, कब्बूपुर गाँव का, थाना मंसूरपुर के अंतर्गत। कल शाम से वीडियो वायरल हो रहा है। इसके संबंध में इंक्वायरी की गई। इसमें इंक्वायरी में ये सामने आई कि जो ये एक नेहा पब्लिक स्कूल प्राइवेट स्कूल है और जो वीडियो करके वीडियो वायरल किया गया, उनको उनका बच्चे का चचेरे भाई है। तो इसके बाद उनसे जो माता पिता है, जब उनसे प्रशासन द्वारा अप्रोच किया गया पुलिस प्रशासन द्वारा, तो उन्होंने एफआईआर करने के लिए थेरिर देने के लिए तो एग्री नहीं थे। तो फिर सुबह जो डेवलपमेंट हुआ कि सुबह उन्होंने थाने में तहरीर दे दी गई और तहरीर दर्ज भी हो गया है। और वहीं स्कूल में बच्चे के साथ ये जो पिटाई हुई है, उसके ऊपर मां ने अब नाराजगी जाहिर की है और बच्चे के लिए मां ने न्याय की मांग की है। जी, बच्चे को मैंने तैयार करके स्कूल में भेजा, फिर वहां से कहने लगी उनको इसके याद नहीं है। वहां से बार बार से सब बच्चों से मरवारी ये बोल रही है, कहने लगे कमर मुँह लाल होगा, इसकी कमर में मारो, जोर जोर से मारो। वैसे ये वीडियो देख कर फिर मुझे गुस्सा आया। हम वहाँ से पहुँच गए भी नहीं, आज तक मैडम ने उन्होंने भी नहीं कहा ना मैंने फिर ये स्कूल में भेजा। कल मुँह भी लाल कर रखा है, इसकी कमर भी लाल कर रखी। मैं मारो कभी कह रही अके मोमदन वहाँ जा अपने घर। जी, मैं तो अपने घर भी नहीं जाती, मैं तो जो जाऊँ तो एक दिन के लिए जाऊँ। बात भी नहीं हुई उससे, तो मैडम बैठी थी वो, जी मैं जाकर बैठ गई। उसने कहा मैं लड़ने के मूड में नहीं है। मैंने कहा जी वो क्या हो रहा है, बस मैंने बोला है उसे। आपने देखा बच्चे की पिटाई? जी हाँ, मैंने पिटाई होते हुए देखी बच्चे की, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा मैडम, मैंने कल उसे कहा आप मार लेती, एक मार लेती, दो मार लेती, चार मार लेती, लेकिन आप बच्चों से ना छिटवाती। तो स्कूल में बच्चे की पिटाई पर मां का क्या कहना है वो आपने सुन लिया। बच्चे के पिता ने आरोपी टीचर के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया है, साथ ही कार्रवाई की भी मांग की है। जी, किसने? मैडम ने। क्यों? एक दो गलती कर दी थी। क्या 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 गलती हुई थी आपसे? क्या गलती हुई थी बेटा? मैडम ने और क्या कहा था? किनसे पिटवाया था आपको? बच्चों से। क्या बोला मैडम ने जब पिटवाया? जोर जोर का मार रहे हो। क्यों क्यों बोलती थी ऐसा मैडम? पता नहीं। कौन थे वो बच्चे, उनके क्या नाम थे जिन्होंने पीटा? पता नहीं। जोर बोले? पता नहीं। और वह बड़ी खबर तमिलनाडु के मदुरई से जो मिल रही है वो आप जान लीजिए। वहां पर रेलवे स्टेशन